दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रंजन अभिषेक और आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। यूं तो युद्ध जो है वो फिलिस्तीन बनाम इजराइल के बीच जारी है। हमास और इजरायली सेना के बीच लगातार युद्ध जारी है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की सियासी गर्माहट हिंदुस्तान में भी जारी है। हिंदुस्तान में भी सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और आलाकमान इसराइल का साथ दे रहे हैं, इसराइल के हित में बात करते हैं, वहीं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए भारत सरकार से भी अपील किया कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी वार पलटवार और तेज हो गया है। और अब असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर पलटवार किया है असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंता बिश्व शर्मा ने। हेमंता बिश्व शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को सलाह दी कि वो गाजा पट्टी में जाकर फिलिस्तीन का साथ दे, ना कि हिंदुस्तान से बैठकर केवल पॉलिटिकल स्टंट या बयानबाजी करें। सुनिए हेमंता बिश्व शर्मा ने आखिर क्या कहा है। दरअसल बीते शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने हमास के इस कृत्य की काफ़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि हम तमाम भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम हमास की निंदा करें। हमास का समर्थन करने वाले भारत के शुभचिंतक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा से देश भर में अलग अलग लोगों की तरफ से फिलिस्तीन को मिल रहे समर्थन पर सवाल पूछा गया। उन्होंने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। हेमंता बिश्व शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी की फिलिस्तीन पर बयानबाजी को पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि भारत में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने ओवैसी को हमास का साथ देने के लिए फिलिस्तीन जाने की सलाह दी। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोला। इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताते हुए उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को प्राचीन बताया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति पर की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।